हेलो फ्रेंड्स, तो आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी निंजा। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 3 एंड इट विल कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम नवंबर 6 to 7। मेरा नाम तेजस है, मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। फर्स्ट टॉपिक इज वेस्टलैंड एटलास। तो ये किसने रिलीज किया है? MORD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड इट इज 5th ऑफ इट्स काइंड, पहला नहीं है। और ये एटलास किसने बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, DOLR, दिस इज अंडर MORD ओनली, एंड NRSC, दैट इज नेशनल रिमोट साइंस सेंटर, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो नाम से ही समझ में आता है कि एटलास दिखेगा कि कहां पे कितना वेस्टलैंड है, जैसे कि ये दोनों। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर का भी वेस्टलैंड इसमें दिखाया है। और ये वेस्टलैंड होता क्या है? बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, जो अनप्रोडक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, एथेनॉल प्रोडक्शन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है कि नो सेपरेट एनवायरमेंटल क्लियरेंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एथेनॉल फ्रॉम बी हैवी मोलासेस। मतलब बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनाना है तो उसके लिए अलग सा क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इट क्रिएट्स नो पॉल्यूशन। हमें पता है एथेनॉल इज अ सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन हमें पता है कि वो फूड स्टॉक से बनता है जो हम खाते नहीं। और इसी के टाइप्स क्या है? फर्स्ट इज ए मोलासेस, इट इज एन इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट इन शुगर केन प्रोसेसिंग। देन बी और सेकेंड मोलासेस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग सीड शुगर प्लस ए मोलासेस। तो इसी के ऊपर क्लियरेंस नहीं चाहिए ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है। एंड देन सी और फाइनल मोलासेस, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ शुगर एक्सट्रैक्शन, एंड दिस सी मोलासेस इज द मेजर सोर्स ऑफ एथेनॉल इन इंडिया। नेक्स्ट, इंडेयर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एयर क्वालिटी स्टडीज इंटरक्टिव रिपोजिटरी। तो ये किसने बनाया है? CSIR नीरी, यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्लस निस्कायर, बार्क, प्लस NAI। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये लोग ने हेल्प किया है। एंड दिस इज द फर्स्ट इंटरक्टिव ऑनलाइन रिपोजिटरी। तो ये फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस इंडेयर इज अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन एयर पॉल्यूशन। मतलब एयर पॉल्यूशन के ऊपर जो भी PhD है वो इस रिपोजिटरी में होगा। एंड इट विल बी अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड टू everyone। तो ये CSIR है क्या? इसका फुल फॉर्म हमें पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो दिस इज अंडर MST, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, एंड मेजर फंडिंग उससे ही आता है। एंड इट इज ऑल्सो एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट 1860। और इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारे PMG। नेक्स्ट, शाला दर्पण पोर्टल। तो ये पोर्टल किसने बनाया है? MHRD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इट विल प्रोवाइड फॉर एंड टू एंड ई गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली इसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिजिटलाइज एंड इंटरक्टिव कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर NVS, दैट इज नवोदय विद्यालय समिति। तो उसके अंदर जो भी स्कूल्स है उनके लिए ये पोर्टल है। तो दिस पोर्टल इज एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑल मतलब सब, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग। और ये NVS है क्या? इट इज द लार्जेस्ट को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिकली इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर MHRD, एंड इट इज फॉर प्रो रूरल स्टूडेंट्स। तो जो भी टैलेंटेड रूरल बच्चे होते हैं वो इस स्कूल में आते हैं। एंड ऑन द सेम लाइंस देयर इज अ पोर्टल फॉर केंद्रीय विद्यालय ऑल्सो, दैट इज केंद्रीय विद्यालय शाला दर्पण। नेक्स्ट, ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेस, दैट इज GES। तो इस टाइम 5th GES हुआ था कहां पे? न्यू दिल्ली में। तो ये पहला नहीं है, याद रखना। और किसने किया था? MCI, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्लस CII। तो यहाँ पे हम तीनों स्टेक होल्डर्स को देख सकते हैं। एंड दिस एग्जीबिशन विल फोकस ऑन 12 चैंपियन सेक्टर्स इन सर्विसेज। इससे होगा क्या? इससे इंडिया सर्विसेज जो ब्रांड है वो और फेमस हो जाएगा। ये ऐसे, तो ये इंडिया सर्विसेज बेसिकली एक ब्रांड है, किसने बनाया? MCI, एंड इट रिप्रेजेंट्स द सर्विसेज सेक्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, CIC। तो रिसेंटली RBI का जो कमिटी थी, दैट इज तपन राय कमिटी, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसने बोला है कि मेजर्स शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथन CIC। इसके जो बाकी रिकमेंडेशन है उतना डीप मत जाना, UPSC से इतना पूछेगा कि ये कमिटी किससे रिलेटेड है। और ये क्यों किया जा रहा है? टू अवॉइड ILFS जैसा स्कैम। तो ये CIC है क्या? इट इज अ स्पेशलाइज्ड NBFC, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एंड इट इज रजिस्टर्ड विद द RBI ओनली इफ इट हैज 100 करोड़ प्लस एसेट्स। और इसका काम धंधा क्या है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है
कि तपन राय कमिटी इज फॉर सीआईसी. नेक्स्ट वॉयेजर 2. तो रिसेंटली ये जो स्पेसक्राफ्ट है इट हैज एग्जिटेड द हेलोस्फीयर एंड हैज एंटर्ड इंटरस्टेलर स्पेस. तो मतलब ये जो ब्लू रीजन है इससे बाहर आके ये ऐसे ऑरेंज रीजन के बाहर आ रहा है और ये स्पेसक्राफ्ट है किसका? नासा का. तो ये वॉयेजर है क्या? इट इज यूज्ड टू स्टडी द आउटर सोलर सिस्टम. और ऐसे दो स्पेसक्राफ्ट है, दैट इज वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉयेजर 1 जुपिटर सैटर्न दोनों को स्टडी किया और वॉयेजर 2 जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून चारों को स्टडी किया. हेंस इट इज द फर्स्ट टू स्टडी जुपिटर नेपच्यून सैटर्न एंड यूरेनस एंड इट हैज आल्सो आइडेंटिफाइड ए ग्रेट डार्क स्पॉट एट नेपच्यून. अभी हम हीलियोस्फीयर हीलियोपॉज एंड इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में जानेंगे. तो ये जो ब्लू रीजन है इट इज हीलियोस्फीयर. इट इज अ रीजन ऑफ सोलर विंड्स दैट इज फ्लो ऑफ सोलर पार्टिकल्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड. तो बेसिकली दिस रीजन इज क्रिएटेड बाय सोलर एक्टिविटीज. देन हीलियोपॉज. तो ये जो बाउंड्री है दैट इज हीलियोपॉज. तो इट इज अ बाउंड्री ऑफ हीलियोस्फीयर एंड इंटरस्टेलर मीडियम. एंड इंटरस्टेलर स्पेस क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बाकी का रीजन है वो इंटरस्टेलर स्पेस है. इट इज अ स्पेस बिटवीन स्टार्स एंड देर आर कोल्ड पार्टिकल्स अराउंड इट. एंड बिकॉज ऑफ दीज कोल्ड पार्टिकल्स पता चला है कि वॉयेजर 2 हैज एग्जिटेड हीलियोस्फीयर. नेक्स्ट डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स DTAA. तो रिसेंटली इंडिया एंड ब्राजील साइंड द अमेंडेड DTAC दैट इज डबल टैक्स अवॉइडेंस कन्वेंशन. तो ये DTAA एग्जैक्टली है क्या? इट इज अ टैक्स ट्रीटी. और ये ट्रीटी बोलता क्या है? A taxpayer residing in one country and earning income in another should not pay taxes in both the countries. तो एक ही income पे दो बार tax नहीं भरना चाहिए. तो इसके लिए ये agreement है. And इसी के लिए there is one more initiative that is base erosion and profit shifting BEPS. तो it is an initiative of OECD and approved by the G20. तो this initiative aims to reduce exploiting loopholes. Next, fumigation. तो ये है क्या? It is a pest control method. तो कुछ ऐसा होता है कि एक क्लोज्ड एयर स्पेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक टॉक्सिक गैस डालते हैं जैसे मिथाइल ब्रोमाइड फॉस्फीन. लेकिन ये जो टॉक्सिक गैस है दे आर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के वजह से. तो ये फ्यूमिगेशन से बनाए हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगता है. एंड दिस इज अंडर इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPPC 1951. And it is issued for the exporting country, not for importing country. तो याद रखना कि ये exporting country के लिए है. और ये certificate कौन देगा? Anybody authorized by National Plant Protection Agency (NPPO). इससे ही related, there is Plant Quarantine Order 2003. It ensures the import of pest and fungus-free agricultural commodities. Next, Cassanur Forest Disease (KFD). तो recently, Karnataka has proposed to establish a monkey park in Malnad. To contain the problem of crop raiding primates. तो होता क्या था कि monkeys crops खाते थे, तो उसको रोकने के लिए ये monkey park propose किया गया है. लेकिन इससे KFD spread भी हो सकता है, इसका डर है. तो ये KFD है क्या? It is a virus of the family Flaviviridae and it is the same family for yellow fever and dengue fever and it is endemic to Karnataka. केरला में भी हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि साउथ इंडिया में endemic है. Endemic मतलब सिर्फ वहां पे पाया जाता है. और इसके कॉमन होस्ट कौन है? रोडेंट्स, श्रूस, मंकीज. इसीलिए इसको मंकी फीवर भी कहते हैं. और ये होस्ट बनते कैसे है? व्हेन बिटन बाय इन्फेक्टेड हार्ट टिक्स. तो बेसिकली टिक्स इज द प्राइमरी सोर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं. एंड हेंस इट इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज एंड दिस डिजीज कैन कॉज एपिजोटिक्स दैट इज आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन एनिमल्स. एंड फॉर्चुनेटली इसके लिए एक वैक्सीन भी अवेलेबल है. नेक्स्ट Housing Projects Fund. So recently this fund has been created. It is an alternative investment fund AIF of 25,000 crore corpus and it will provide for debt financing. मतलब लोन जैसा पैसा देगा. इसके लिए for affordable and middle income housing sector. कुछ ऐसे ही सादे घरों के लिए. And it has been made by government plus SBI plus LIC. And this fund has been registered with SEBI under AIF2 category. और इसको मैनेज कौन करेगा? SBI Cap Ventures Limited. तो इस फंड के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? इट शुड बी नेट वर्थ पॉजिटिव, देन इट शुड बी रजिस्टर्ड विद रेरा दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी एंड नॉट बीन डीम्ड लिक्विडेशन वर्दी.
तो इस पूरे से होगा क्या, इट विल हेल्प इन एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन हाउसिंग सेक्टर। नेक्स्ट बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव, तो ये पहली बार हुआ है कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। तो नाम से समझ में आता है कि पोर्ट्स रिलेटेड होगा, कि ये करो वो करो, पोर्टलेट डेवलपमेंट लाओ। तो ये बिम्स्टेक है क्या, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके मेंबर्स कौन से हैं, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। लेकिन इसके फाउंडिंग मेंबर्स BIST थे, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ढाका में, दैट इज बांग्लादेश, एंड इट वॉज फॉर्म थ्रू बैंकॉक समिट। नेक्स्ट अराइस, तो यह है क्या, इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड स्टैंडिंग व्हीलचेयर। तो ये किसने बनाया है, IIT मद्रास। और इस व्हीलचेयर की खासियत क्या है, इट विल प्रोवाइड ईज इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग इंडिपेंडेंटली फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड वंस। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, किसने किया है, IIT मद्रास। नेक्स्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट UP, हमें पता है UP एक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एंड रिसेंटली 11 आप MLAs पे ये आरोप लगाया था कि दे आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिकॉज दे वर दी को चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इट इज नॉट एन UP एंड प्रेसिडेंट एक्सेप्टेड EC का डिसीजन। तो ये UP का क्राइटेरिया क्या है, इफ एनी रिप्रेजेंटेड मेंबर derives benefits from government office and this disqualification is provided in article 102 and 191। तो देख के ही समझ में आता है कि एक बहुत vague definition है। तो Supreme Court ने इसके ऊपर detailed criteria दिया है कि अगर इन पांचों में से कुछ भी government करेगा तो it is an office of profit, that is appointment, dismissal, remuneration, functions, control। इन पांचों में से अगर एक भी government कर रहा है तो इट इज एन UP, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एंड इससे ही रिलेटेड जया बच्चन का एक केस है। नेक्स्ट आयकर रिपोर्ट ऑन स्टबल बर्निंग, तो इस रिपोर्ट ने बोला है कि स्टबल बर्निंग हैज रिड्यूस्ड बाय 12% एंड येट AQF दिल्ली हैज रीच मैक्सिमम ऑफ 999, सबसे हाईएस्ट टिल नाउ। मतलब अभी का जो पोजीशन है इट इज द वर्स्ट एवर, इसलिए बच के रहना, हमें लगेगा कि स्टबल बर्निंग भी बड़ा होगा लेकिन नहीं, इट हैज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट तोड़ना है फोड़ना है, push yourself because no one else is going to do it for you। If you do like the content, please subscribe, like and share। Thank you।